जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो है एक सरप्राइज। मुझे पता है कि आप सबको लग रहा होगा कि मेरे लगाए हुए बर्ड हाउस का बेबी बर्ड है ये, पर नहीं, अभी वहाँ से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। ये तो कहीं और से ही सरप्राइज़ मिला है। तो हुआ यूँ कि 2 दिन पहले मुझे पड़ोस के बच्चों ने ला के दिया ये बॉक्स और बोला कि ये चिड़िया मुझे ज़मीन पर गिरी हुई मिली थी, जिसको मैंने न्यू घर बना के उसमें रख दिया। अब आप इसको देख लो, इसके मम्मी पापा नहीं आए वहाँ पर सुबह से। सबसे पहले तो मुझे यही ख्याल आया कि बच्चे की परवरिश माँ बाप से बेहतर कोई नहीं कर सकता, पर जब इसके मम्मी पापा आए ही नहीं तो ऐसे में तो इसकी जान जा सकती है, तो इसको रेस्क्यू करना ही इसके लिए अभी बेस्ट ऑप्शन है। वैसे बच्चे ने काफ़ी सही दिमाग लगाया बेबी बर्ड के हिसाब से। इसमें सूखी घास रखी है, पत्तियाँ रखी हैं, रुई है, लेकिन इसमें घास के साथ कुछ काफ़ी तीखी चीज़ें भी आ गई हैं जिससे इसको नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए मुझे इसे दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये चिड़िया बेबी स्पैरो है, इतना तो समझ आ गया है, पर इससे पहले कभी बेबी बर्ड्स को पाला नहीं, सिर्फ बड़ी बर्ड्स को खाना खिलाती आई हूँ। तो एक बार तो डर भी लगने लगता है कि मैं इसको सही सलामत रख पाऊंगी कि नहीं, कोई मिस्टेक ना हो जाए जिससे इस नन्ही सी जान को तकलीफ हो। फिर भी ऊपर वाले का नाम लेके कोशिश करती हूँ इसको जिंदा रख सकूँ तब तक जब तक ये खुद से उड़ने लायक ना हो जाए। तो सबसे पहले की ढेर सारी रिसर्च उससे पता लगा कि ये बेबी बर्ड हफ्ते भर का हो सकता है, क्योंकि इसकी आईज़ खुली है और पिन फेदर्स मतलब जो सबसे पहले पंख निकलते हैं वो निकलने लगे हैं। तो इसको खाने में मैं डॉग या कैट फूड दे सकती हूँ, क्योंकि वो बेबी बर्ड्स के लिए हेल्दी फूड ऑप्शन होता है। और मेरे पास एक बिल्ली भी है जिसका नाम है लड्डू, तो अब मैं जा रही हूँ लड्डू से उसका खाना उधार मांगने। इतने से खाने से लड्डू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों के टॉय की कढ़ाई चम्मच ज़्यादा सूटेबल लगे मुझे बेबी स्पैरो का खाना बनाने के लिए। तो इसमें पहले हल्का गर्म पानी डाल के थोड़े से कैट फूड को इसमें अच्छे से सोक कर दिया है, जिससे कुछ देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा और वो मैश करके बेबी स्पैरो को खिलाने लायक हो जाएगा। तो इसको सोक करके पहले इनके शिफ्टिंग का जुगाड़ करती हूँ। ये शू बॉक्स मिला है मुझे, थोड़ा टूटा हुआ है पर अभी अर्जेंट में काम चल जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी घास बेस में रख के ऊपर से कॉटन रख के बेबी स्पैरो को शिफ्ट कर देती हूँ। पर ये इसमें काफ़ी उलझी नज़र आ रही है, धीरे से निकाल के नए घर में रख देती हूँ। अब इसने उड़ना भी नहीं सीखा है। इसकी मम्मी सिखाती ना। मम्मी उसके पंख नहीं आए। मैंने उसके ब्लैक बैग देखे पंख। कितनी छोटी सी है यार, पर मुंह बहुत बड़ा है। हाँ भाई, पता है मुझे कि तुम्हें ढेर सारी भूख लगी होगी, इतने देर से नॉन स्टॉप चोंच खुल रहा है तुम्हारा। वाह, वेरी गुड। और इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। चार पांच बार खाने के बाद इनका छोटू सा टंकी जो है वो भर गया है और ये शांत भी हो गई है, शुक्र है। मैंने पढ़ा था कि हर आधे घंटे में इसे खाना खिलाना होगा। तब तक के लिए इनके सोने की जगह देख लेती हूँ। ये कॉर्नर स्टूल सही रहेगा, क्योंकि इस टाइम इसको गर्मी चाहिए होती है, इसलिए इसको पहले कॉटन से फिर इस बॉक्स के कवर से ढक के यहाँ रख दिया है कि फैन की हवा भी ना आए यहाँ तक और लड्डू को भी खबर ना लगे।
इस तरफ से वेंटिलेशन का जुगाड़ कर दिया है। ये तो कुछ कुछ देर में चीची करना शुरू कर दे रही। जब भी कमरे में चहल पहल हो ये स्टार्ट हो जा रही। देखते हैं रात में क्या होता है। थैंक गॉड रात में तो ये आराम से सोई और मुझे भी सोने दी। गुड गर्ल। तो इस तरह से 4 दिन बीत चुके हैं और हमारी रेस्क्यूड बेबी स्पैरो धीरे धीरे ग्रो कर रही है ह्यूमन पेरेंट्स के बीच में। और अब फिर से इसके सोने का टाइम हो चुका है, इसलिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।